दो बैलों की कथा। यह कहानी मुंशी प्रेमचंद की एक महत्वपूर्ण कहानी है। इस कहानी में उन्होंने किसान और पशुओं के भावनात्मक संबंधों का वर्णन किया है। मुंशी प्रेमचंद जी ने बताया है कि स्वतंत्रता सरलता से नहीं मिलती, उसके लिए हमें प्रयास करना पड़ता है और सभी भेदभाव त्याग कर एकजुट रहकर संघर्ष भी करना पड़ता है। कहानी का सारांश बता रहे हैं। लेखक ने बताया कि जानवरों में सबसे मूर्ख गधे को माना जाता है, क्योंकि वह अत्यंत सीधा और सरल है और किसी बात का विरोध नहीं करता। कभी गधे को किसी ने गुस्सा करते हुए नहीं देखा, लेकिन जब उसे गुस्सा आता है तो वह मारता भी है और अड़ियल रुख भी अपना लेता है, इसलिए लोग उसे गधे से बेहतर समझते हैं। ये बात बैल के विषय में मुंशी जी ने कही है। झुरी काछी के यहाँ दो बैल थे। एक का नाम हीरा, दूसरे का नाम मोती था। दोनों सुंदर, स्वस्थ और काम करने वाले थे। दोनों में पक्की मित्रता थी। दोनों साथ साथ रहते और काम करते थे। संयोगवश एक बार झुरी ने दोनों बैल अपने साले गया को दे दिए। बैलों को लगा कि उन्हें बेच दिया गया है, अतः गया को बैलों को घर तक ले जाने के लिए बहुत कठिनाई आई। और जब वह घर पहुँचे तो घास को मुंह तक नहीं लगाया। दोनों आपस में सलाह करके रस्सियाँ तुड़वा कर झुरी के घर की ओर चल पड़ते हैं। झुरी प्रातःकाल उठकर देखता है कि उसके दोनों बैल नाद पर खड़े घास खा रहे हैं और वह दौड़कर दोनों को गले लगा लेता है। गांव के सभी लोग बैलों की स्वामी भक्ति पर आश्चर्यचकित हो जाते हैं, लेकिन झुरी की पत्नी को यह बात पसंद नहीं आती है और वह पति और बैलों को भला बुरा बताने लगती है। अगले दिन पत्नी ने मजदूर को बैलों के पास सूखी घास डालने के लिए कह दिया और मजदूर ने वैसा ही किया, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं खाया। दूसरे दिन झुरी का साला फिर आया और फिर से उन्हें ले गया। उसने अपने बैलों को अच्छा चारा दिया, लेकिन दोनों बैलों को सूखा हुआ चारा दिया। अगले दिन दोनों को खेत में जोत दिया गया, लेकिन मार खाने पर भी दोनों ने पैर नहीं उठाने की कसम खा ली थी। अधिक मार खाने पर दोनों भाग खड़े हुए। मोती के दिल में क्रोध की ज्वाला भड़क रही थी, किंतु हीरा के समझाने पर मोती खड़ा हो गया। गया ने दूसरे लोगों की सहायता से उसको पकड़ा और घर ले जाकर फिर से मोटी रस्सियों में बांध दिया और सूखा चारा खाने को दे दिया। इस प्रकार दोनों बैल दिन भर परिश्रम करते हैं और शाम को सूखा चारा खाते हैं। एक दिन गया की लड़की ने दोनों को खोल दिया और शोर मचा दिया कि बैल भाग गए हैं। गया हड़बड़ाकर बाहर भागा और गांव वालों की सहायता के लिए चिल्लाया, लेकिन दोनों बैल भाग चुके थे और भागते भागते अपना रास्ता भूल जाते हैं। जब उन्हें भूख लग जाती है तो वो एक मटर के खेत में चरने लग जाते हैं। कुछ ही देर में उधर एक सांड आया और उनसे भिड़ गया। दोनों ने अपनी जान हथेली पर रख कर के उसके आगे पीछे भागना शुरू कर दिया। दोनों ने बड़े साहस के साथ सांड पर विजय प्राप्त की। सांड मार खाकर गिर पड़ा। संघर्ष के बाद दोनों को फिर से भूख लग गई और मटर के खेत में फिर से चरने लगे, किंतु रखवालों ने उन्हें पकड़कर कांजी हाउस में बंद कर दिया। कांजी हाउस में उनसे अच्छा व्यवहार नहीं किया गया और उन्हें किसी प्रकार का भोजन नहीं दिया गया। वे भूख के मारे मरे जा रहे थे। हीरा के मन में विद्रोह भड़क उठा। मोती के समझाने पर भी वह नहीं माना और कच्ची दीवार को तोड़ना शुरू कर दिया। इतने में चौकीदार लांटेन लेकर पशुओं को गिनने आया और उसे इस प्रकार दीवार तोड़ के देखकर रस्सी से बांधकर कई डंडे दे मारे। चौकीदार के जाने के बाद मोती ने भी साहस बटोरकर दीवार गिरानी शुरू कर दी। इस प्रकार काफी संघर्ष के बाद उन्होंने दीवार गिरा दी। काफी जानवर बाहर भाग गए। मोती ने फिर हीरा की रस्सी काटनी शुरू कर दी, लेकिन रस्सी नहीं टूटी और वे दोनों वहीं पड़े रहे। एक सप्ताह तक दोनों कांजी हाउस में भूखे रहे और बहुत ही कमजोर हो गए थे।
दोनों बैलों को एक दड़ियल के हाथों नीलाम कर दिया गया, यानी बेच दिया गया। दड़ियल उन्हें लेकर जा रहा था तो दोनों को अपनी परिचित रास्ता नज़र आ जाता है और वे छूटकर सीधे झुरी के घर जा पहुंचते हैं। झुरी वहां पर धूप सेक रहा था। बैलों को आता देखकर वह गले लगा लेता है। झुरी और दड़ियल में झगड़ा हो जाता है, किंतु बैलों को फिर वही स्नेह मिलता है। झुरी ने उनकी पीठ सहलाई और मालकिन ने उनका माथा चूम लिया। दोनों बैलों को अच्छा चारा दिया गया। वे दोनों अब सुखद अनुभव कर रहे थे, क्योंकि वो दोनों अब अपने मालिक के पास पुनः लौट करके आ चुके थे। इस कहानी में गधे के स्वभाव का उल्लेख किया गया है कि वह सीधा होता है। उसकी इसी सीधेपन के कारण जो मूर्ख मनुष्य होते हैं उन्हें गधा कहा जाता है। अति सरलता के कारण संसार के लोग गधे पर टीका टिप्पणी किया करते हैं। बाद में मुंशी प्रेमचंद ने पशुओं की कहानी सुनाई है, जिसमें उन्होंने बैल को अपना मुख्य पात्र बनाया है। आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और हमारे चैनल को सपोर्ट करें। थैंक यू।